नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा के बारे में, जो ठेला जो सामान वाले ढोने के लिए सामान काम आता है उसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो में शुरू से तक बनी रहिए, और अगर कोई दोस्त मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन का जो घंटी का जो बटन है उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा अच्छा मॉडल का हम लोग जो है रिक्शा दिखाएंगे, सामान कैरी करने वाला, सामान ढोने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये इलेक्ट्रिक रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक ठेला जो सामान ढोने वाला होता है ये किस तरह से बना हुआ है। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो रिक्शा जिसके बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक रिक्शा। अभी तो पेडल से चल रहा है और इसको बैटरी से चलने वाला भी बनाया गया। इसमें सामान आप कैरी कर सकते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं आराम से। ब्रेड हो या फिर दूध हो या फिर दूसरा कोई बेकरी सामान हो, तो इसमें आप लेके आप जो है सामान दुकान में पहुंच सकते हैं, या होम डिलीवरी भी दे सकते हैं इस गाड़ी से। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गाड़ी है, इलेक्ट्रिक बनाया गया है और इसमें पेडल सिस्टम भी रखा गया है। बाय चांस कभी आपका बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो आप पेडल से चला के भी आ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और इसका तीनों पहिया जो है मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, चक्का होता है, उसी चक्का से बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड कैरी कर सके। पाँच से छः क्विंटल इसमें लोड आप ले सकते हैं। 750 वाट का इसमें मोटर लगा हुआ है और 35 एम्पीयर का बैटरी इसमें लगा हुआ है, लीड एसिड बैटरी। तो एक एक करके इसमें आप लोगों को दिखाते जाएंगे किस तरह से बनता है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर बैटरी रखने वाला जगह बनाना पड़ता है। तो एक एक करके आप लोगों को दिखाते जाते हैं, दूसरा रिक्शा भी दिखाएंगे इसमें। तो पहले तो देखिए ये वाला जो दिख रहे हैं, ये वाला बना हुआ है इसके चक्का से। पीछे जो चक्का दिख रहे हैं ये रिक्शा का चक्का है, और आगे का चक्का जो इलेक्ट्रिक टोटो होता है या फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है जिसमें सामान ढोता है उसका चक्का लगा हुआ है। और आगे में शकर रखा गया है, और इसका मीटर देखिए डिजिटल मीटर इसमें लगा हुआ है, बड़ा सा मीटर लगा हुआ है। ये अभी स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके बाद इसमें ये बैटरी बॉक्स है, इसमें बैटरी लगता है, इसमें बैटरी रखा जाता है 4 बैटरी 12-12 वोल्ट के। और ये चक्का देखिए, इसका चक्का जो अलग आता है, ये पीछे वाला तिल्ली जो है काफ़ी मोटा होता है, स्पोक होता है। और ये ब्रेक सिस्टम है, पैर वाला ब्रेक इसमें रखा गया है ब्रेक पुली के साथ। आगे इसमें सिस्टम रखा गया, आगे दिखाएंगे इसको, डबल रखा गया है ताकि बाई चांस कभी आपका एक खराब हो जाए तो दूसरा लगे, एक्सीडेंट उसमें ना हो। एक एक करके इसको आप लोगों को दिखाते जाएंगे और इसको बताते जाएंगे कैसे कैसे बनाना है। तो पहले तो आपको ये वेल्डर से इसको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये ब्रेक जिसके हम बात कर रहे थे, यहाँ बैटरी लगेगा, मोटर का स्टैंड बनाया गया है आगे पीछे करने के लिए। चलते चलते अगर जैसे मोटरसाइकिल में होता है चेन लूज होता है तो टाइट हो सकता है, तो इसमें भी चेन अगर लूज होगा तो आपको टाइट हो सकता है। तो हर चीज़ ध्यान में रखते हुए इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखिए इस तरह से बैटरी इसमें लगता है, बैटरी कंट्रोलर इसके नीचे रखा जाता है, और इसके ऊपर इसका लकड़ी वाला बॉडी जो वो लगता है 4x5 का बॉडी लगता है। चार बैटरी इसमें लगता है, 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी 35 एम्पीयर 40 एम्पीयर का या फिर 50-60 एम्पीयर का, जो आपको मर्जी इतना चलना है आपको उसी हिसाब से इसको बैटरी डालना पड़ता है। और हर एक बैटरी का चार्जर अलग आता है। इसमें 750 वाट का मोटर लगा हुआ है, एक कंट्रोलर है जो सारे सिस्टम कंट्रोल करता है। दूसरे वीडियो में इसका कनेक्शन दिए हुए कनेक्शन का वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे आके आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये पूरा मतलब बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है जो सामान ढोने वाला है। ये हॉर्न है आप लोग देख सकते हैं, दोनों लाइट लगाया गया, एक्स्ट्रा लाइट, ये मेन लाइट है,
जिसमें चाबी से ऑन ऑफ होता है, और ऊपर आपका बैटरी शो करता है। बैटरी ये डिजिटल नहीं है, लेकिन अब डिजिटल मीटर आ गया है। ये पैर वाला ब्रेक रखा हुआ है, ये पैर रखने का जगह और पैर वाला ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए इस तरह से लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ, जैसे चार चक्का गाड़ी में होता है ऐसे वैसे ही लगाया गया है। और ये बैटरी इसमें लगा हुआ है, पैडल वाला सिस्टम भी इसमें रखा गया है। हर गाड़ी में मतलब ऑर्डर के हिसाब से इसको रखा जाता है, जिसको जो पसंद आता है उसी हिसाब से लगता है। यहाँ पे देखिए 4x5 का ये लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है, इसमें आप सामान आसानी से कैरी कर सकते हैं। पीछे से क्या सिस्टम लगा हुआ है ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए पीछे लगा हुआ है एक्सेल के साथ, पीछे का जो एक्सेल है उसमें लगा हुआ है। बड़ा सा एक स्पॉकेट लगा हुआ है, ये इंडिकेटर है और मोटर आ रही है। पीछे वाला स्पॉकेट सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो चेन आपका उतर जाएगा, बार बार चलेगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि सीधा एकदम हो, और स्टैंड इसी हिसाब से बनाना पड़ता है। देखिए स्टैंड लगाया गया है नट बोल्ट से, आगे पीछे करने के लिए बनाया गया है। और ये देख रहे हैं इंडिकेटर और पीछे वाला ब्रेक और पैडल वाला सिस्टम, स्पॉकेट भी लगा हुआ है, डबल इसमें लगा हुआ है हर चीज़। तो इस तरह का नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और आगे भी इस तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और इस ये सामान अगर चाहिए, एक किट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, वहाँ पर जाके हमसे कॉल करके मंगवा सकते हैं। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।